जन्माष्टमी आ रही है तो सारी तैयारियां तो हो गई होगी, तो आइए प्रसाद की भी तैयारियां शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए करीब एक चम्मच इतना घी ले लिया था और उसके अंदर मखाने डाल दिए। मखानों को बहुत ही अच्छे से रोस्ट करा था जिससे इसकी आवाज़ भी आ रही थी। उसी पैन से जब मखाने बाहर निकाले तो एक चम्मच घी फिर से डाल लिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। ड्राई फ्रूट्स को कुछ इस तरह से कट कर लिया था जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया था। ड्राई फ्रूट्स को जब घी में रोस्ट करते हैं ना तो उसका स्वाद और खुशबू बहुत अच्छे आते हैं। फिर से दो चम्मच जितना घी ले लिया और उसके अंदर ये पिसा हुआ जो धनिया होता है ना वो डाल दिया। वैसे आप चाहो तो साबुत धनिया भी ले सकते हो और उसे पीस सकते हो, पर यहाँ पर मैंने पीसा हुआ धनिया होता है वही लिया था। उसे भी अच्छे से रोस्ट कर लिया, इससे पूरा किचन महक गया था। धनिया को जब रोस्ट किया तो सारा घी सोख लिया था। उसी के साथ सूखा हुआ नारियल था उसे कद्दूकस कर लिया था, उसे भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया, उसे बिना घी के ही रोस्ट किया था। तो अब बारी आ जाती थी ये जो मखाने हमने रोस्ट किए थे ना उन्हें हल्का हल्का सा कूट लेने की। ऐसे आप चाहो तो मिक्सी से पीस के भी निकाल सकते हो, पर जब पंजीरी खाते हैं और ऐसे ये मखाने जो रोस्ट किए हुए मुँह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मखाने हमारे रोस्ट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो ये धागे वाली मिश्री होती है ना उसका पाउडर बनाकर ले लिया था। धागे वाली मिश्री इसलिए क्योंकि कान्हा जी के प्रसाद में सिर्फ मिश्री ही जाती है, या तो वो चौकोर वाली आती वो ले लीजिए या फिर धागे वाली मिश्री ले लीजिए। आखिर में वो जो धनिया और मिश्री का पाउडर था ना उसे हल्का हल्का सा इस तरह से छान लीजिए जिसकी वजह से अगर लम्स हो तो वो निकल जाए और ये जो हमारी पंजीरी है वो बहुत ही टेस्टी लगे। बस फिर क्या, सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, मखाना, सूखा नारियल, उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं ना तो किचन के साथ साथ पूरा घर महकता है। एक्चुअली यहाँ पर प्रसाद या भगवान की बात नहीं है, हमारी श्रद्धा की भी बात होती है। तो ये लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो गई है, उसी के साथ मैंने थोड़ा सा सौंफ पाउडर, इलायची पाउडर डाल दिया था और लास्ट में थोड़े से रोज़ पेटल्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो पर ना मत डालो, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आइए लगा देते हैं कान्हा जी को भोग क्योंकि हमारी धनिया पंजीरी तैयार है।